जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनोवेटिव फ्यूचर एकेडमी। तो दोस्तों, पिछली दो क्लासेज में हिस्ट्री की जो हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था बुक्स के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होता है, कई बार जब बच्चे तैयारी करनी शुरू करते हैं और जब वो हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं, उनको ये ही क्लियर नहीं होता कि हमें हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए ताकि एफिशिएंटली हम उनको पढ़ सकें और एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन उनसे बड़े इजीली हम कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो हमें हिस्ट्री पढ़ते वक्त याद रखने हैं और उनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आज दोस्तों हम कवर करेंगे एंशंट हिस्ट्री को। तो आज हम एंशंट हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कौन कौन सी मेन ऐसे टॉपिक हैं जो एंशंट हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जिनको हमें पढ़ना चाहिए, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आता है, उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एंशंट हिस्ट्री में बच्चों सबसे पहला टॉपिक है, वो है उन आदमियों के बारे में, ह्यूमंस के बारे में जो कि गुफाओं में रहा करते थे, जिनको आग का पता नहीं था या आग का बहुत ताज़ा पता लगा था, और जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे, या फिर बाद में जिनको कॉपर का पता चला उनका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बच्चों स्टोन एज और कॉपर एज। तो जब भी बच्चों हम हिस्ट्री को पढ़ें, अगर आप यूपीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्टोन एज और कॉपर एज के बारे में पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो स्टोन एज और कॉपर एज के बारे में क्या पढ़ना होता है, तो आप जानोगे कि स्टोन एज तीन तरह की होती है, पैलियोलिथिक स्टोन एज, नियोलिथिक और मीसोलिथिक, ठीक। उसके अलावा कॉपर एज के बारे में, तो स्टोन एज और कॉपर एज के बारे में आपको बेसिक पढ़ना चाहिए कि ये किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते थे। तो याद रखिए स्टोन एज कॉपर एज से इनके टूल्स के बारे में और नेचर ऑफ ह्यूमंस सोसाइटी, कि जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी थी, जो इंसान उस टाइम रहा करते थे, आखिर वो किस तरीके से रहा करते थे, यानी वो एक ग्रुप में रहते थे, अकेले रहते थे, जानवरों का शिकार करके खाते थे, इस तरह की कुछ बेसिक बातें। उसके अलावा उनके टूल्स वगैरह हो गए, उसके अलावा उनकी कुछ रोज़मर्रा की ज़रूरत वाली चीज़ें हो गई, जिसको हम कई बार पोटरी बोल देते हैं। तो इनकी पोटरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इनसे जुड़ी हुई कुछ साइट्स कि भारत में पैलियोलिथिक साइट कौन सी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो बेलन वैली बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बेलन वैली है। उसके अलावा आपने भीमबेटका केव्स के बारे में सुना होगा। तो स्टोन एज और कॉपर एज के टाइम में ही बच्चों वहाँ पे भीमबेटका में इंसान रहने लगे, उन्होंने चीज़ों को देखा और पेंटिंग बनानी शुरू कर दी, तो पेंटिंग वाली जगह भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, यानी उनके टूल्स, नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, पोटरी और उनकी साइट, ठीक। तो याद रखिए जब भी आप बच्चों हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें, अगर आप किसी यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टोन एज और कॉपर एज के बारे में इनको पढ़ना बड़ा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद का जो टाइम आएगा बच्चों, इसके बाद का टाइम आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम। इसके बाद का जो टाइम है उसको हम बोल देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी जो दूसरा टॉपिक बच्चों आपको कवर करना है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसको कुछ लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से बुलाते हैं, कुछ लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के नाम से बुलाते हैं, है बच्चों सेम ही चीज़। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जब भी आप पढ़ो, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल जो आया करता है, वो आया करता है इस सिविलाइजेशन की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। करैक्टरिस्टिक्स से बच्चों मेरा मतलब है कि इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके शहर कैसे थे, टाउन प्लानिंग कैसी थी, उन लोगों का रिलीजन क्या था, वो किस धर्म को फॉलो करते थे, उन लोगों की इकोनॉमी और उन लोगों का फूड यानी खान पान क्या था। तो इसके बारे में आपको पढ़ना बड़ा जरूरी है, खासतौर पे बच्चों टाउन प्लानिंग, ठीक है। फिर बच्चों जो दूसरी चीज इस टॉपिक से आपको पढ़नी चाहिए, वो पढ़नी चाहिए इंपॉर्टेंट साइट्स, इम्पॉर्टेंट साइट्स कि कौन कौन सी उनकी जो साइट है, कौन कौन से ऐसे शहर हैं बच्चों जो हमने खोद के निकाले हैं, और वो, और इसमें किस किस को पढ़ना है बच्चों, लोकेशन, लोकेशन के अलावा
किस आदमी ने खोद के निकाला है, एक्सकेवेटर कौन था उसका, और वहां पे क्या इंपॉर्टेंट हमें मिला है उनकी फाइंडिंग्स। ठीक है, तो याद रखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट साइट और उनकी इंपॉर्टेंट साइट की कुछ डिटेल ये पढ़नी बड़ी जरूरी है। उसके अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट साइट का मैप, यानी आपको आइडिया होना चाहिए कि चहुंदारो और मोहनजोदारो में कितना डिस्टेंस है, कहाँ पे है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो ईस्ट में जाके लास्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी है, और वो मैप से आप बड़े इजली से पढ़ सकते हो, ये आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद बच्चों टाइम आता है जब वेद लिखे गए, जिसके लिए बच्चों हम नाम यूज कर लेते हैं वैदिक एज। इसके लिए हम नाम यूज कर लेते हैं बच्चों वैदिक एज। अब वैदिक एज के बारे में आपको एक और चीज याद रखनी है कि वैदिक एज जो है उसमें वैदिक पीपल को भी पढ़ना है और वैदिक लिटरेचर को भी पढ़ना है, यानी इसमें आपको लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए और इसमें कौन कौन से लिटरेचर लिखे गए उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले वैदिक एज में आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए बच्चों आर्यंस के बारे में कि आर्यंस कौन थे। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए वैदिक लिटरेचर के बारे में। वैदिक लिटरेचर जो है बच्चों बहुत कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे इसमें से एक तो बच्चों वेद आपको पता ही होगा, उसके अलावा बच्चों कुछ किताबें हैं जिनको उपनिषद बोला करते हैं, कुछ किताबें हैं बच्चों जिनको ब्राह्मणास बोला करते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम की, वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि वेदों की बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए, उसके अलावा आप इसी टाइम में बच्चों कुछ एपिक्स होंगे वैदिक लिटरेचर से जुड़े हुए बाद की चीज़ें हैं, वो सारी बुक्स जो हैं उनका आपको पता होना चाहिए, आपको बेसिक एटलीस्ट उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वैदिक लिटरेचर के बाद बच्चों आपको एक और बेसिक आइडिया होना चाहिए, वो होना चाहिए वैदिक एज, जिसको कई बार ऋग वैदिक एज और लेटर ऋग वैदिक एज बोलते हैं। तो इसमें बच्चों हम बेसिकली पढ़ते हैं उस टाइम के रहने वाले इंसानों के बारे में, यानी जब ऋग्वेद लिखा गया या ऋग्वेद के बाद का जो टाइम था इसमें, और इसमें बच्चों फिर हम बेसिकली पढ़ा करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को। इसमें हम किसको पढ़ा करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी को। तो देखो अब तक हमने तीन बड़े टॉपिक डिस्कस किए, इन तीनों टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में घूम फिर के आता रहता है। तो स्टोन एज, कॉपर एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज। अब बच्चों बात करते हैं अगले कुछ टॉपिक में, और अब हम थोड़ा सा धर्म की तरफ पढ़ेंगे। तो धर्म की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोगों के दिमाग में चीज़ पता लगी गया होगा कि अब हम बात करेंगे बच्चों जैनिज्म की और बुद्धिज्म की। तो बच्चों जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो हिंदुज्म की तरह भारत से ही जन्म हुआ इस धर्म इन धर्मों का, और ये बहुत पुराने धर्म है हिंदुज्म की तरह। तो नेक्स्ट बच्चों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। नेक्स्ट है बच्चों जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो याद रखिए इनमें बच्चों हमें सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए कि हमें जैनिज्म बुद्धिज्म का डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये दो नए धर्म क्यों बने, कि आखिर क्या वजह थी कि हिंदुज़म को फॉलो करने वाले कुछ लोगों ने जैन धर्म और बुद्ध धर्म जो है वो शुरू कर दिया, और क्या क्या इन धर्मों के बिलीव्स हैं, कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हिंदुज़म को और जैनिज़म बुद्धिज़्म को अलग अलग करती हैं। ठीक है, तो जैनिज़म बुद्धिज़म के बिलीव्स की बच्चों आपको पता होनी चाहिए। फिर बच्चों आती है इन धर्मों के फाउंडर्स के बारे में, जैसे जैन धर्म से रिलेटेड बच्चों हम महावीर को एसोसिएट करते हैं, बुद्ध धर्म से जो है हम बच्चों गौतम बुद्धा को एसोसिएट करते हैं, तो उसके बारे में भी बेसिक आपको पता होना चाहिए, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके जन्म की लाइफ के बारे में क्या चीज़ें रही क्या नहीं रही। फिर बच्चों जैनिज्म बुद्धिज्म से रिलेटेड उनका लिटरेचर, कि उनकी जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उसके बारे में बच्चों आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और उसके अलावा जैनिज्म और बुद्धिज्म से ही जुड़ी हुई काउंसिल्स जो हुई, काउंसिल मतलब बच्चों मीटिंग। तो जैनिज्म बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए फैलाने के लिए बहुत सारी अलग अलग मीटिंग हुई है इनके मॉन्क्स की बाबों की, उनको बच्चों बोला जाता है काउंसिल। तो तीन बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फाउंडर के बारे में कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इन्होंने पहला उपदेश यानी सरमन कहाँ दिया, फिर लिटरेचर के बारे में और काउंसिल के बारे में। ये तीन चीज़ें तो बच्चों बड़ी मस्ट हैं। और चौथी चीज़ जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए बच्चों वो है इनके सेक्ट यानी संप्रदाय, कि जैन धर्म आगे किन किन संप्रदायों में टूट गया, बौद्ध धर्म आगे किन किन संप्रदायों में टूट गया, वो आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। इसके ठीक बाद बच्चों फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है बच्चों महाजनपद। बच्चों महाजनपद यूं लगाओ कि पुराने टाइम के राज्य थे, बड़े बड़े एम्पायर थे, अलग 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 नॉर्थ इंडिया में मेनली थे बच्चों, नर्मदा से ऊपर, नर्मदा से नीचे सिर्फ एक ही महाजनपद थी, और टोटल 16 महाजनपदों का बच्चों जिक्र है हमारे एंशिएंट लिटरेचर में, ठीक है। तो इन जनपदों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सारी की सारी जो नेम्स है जनपदों के और उनकी प्रेजेंट डे लोकेशन क्या है, उनकी प्रेजेंट डे लोकेशन क्या है, यानी जितनी भी महाजनपद हैं बच्चों वो सारी जनपद आज के दिन एग्जिस्ट कहाँ कर रही होंगी। कि वो सपोज करो अगर आपको पता लगे कि कोई गंधार करके कोई महाजनपद थी तो वो कहाँ है, तक्षशिला जो है वो कहाँ है, इस तरह की कुछ बेसिक बातें बच्चों आपको पता होनी चाहिए। फिर बच्चों महाजनपद में फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट महाजनपद आएगी बच्चों, मगध महाजनपद, और बाद में बच्चों यही महाजनपद जो है वो मगध का साम्राज्य बनेगी। तो आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में क्या पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है बच्चों उन डायनेस्टीज को आपको पढ़ना है, उन वंशों को आपको पढ़ना है जो बच्चों मगध के ऊपर राज कर चुकी हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट जो बच्चों इसमें आएगी सबसे इंपॉर्टेंट वो बच्चों होंगे मौर्यास। तो आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा बच्चों, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों वो होंगे मौर्यास। तो मौर्यास के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, और मौर्यास से फिर बच्चों आपको पढ़ना है अशोक के बारे में। मौर्यास में बच्चों अशोक एक राजा हुआ था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था, पोता था, उसके बारे में बच्चों जरूर पढ़ना है। अब अशोक जो था बच्चों वो आपको पता है बुद्धिज्म के लिए बड़ा फेमस था, तो अशोक ने जो इंस्क्रिप्शन बनाए हैं जिनको बच्चों कई बार शिलालेख बोल दिया जाता है, तो इसने बच्चों पिलर और रॉक एडिक्ट्स बनवाए हैं। तो उन रॉक एडिक्ट्स का और पिलर एडिक्ट के बारे में बच्चों आपको पता होना चाहिए, और वो किस धर्म से एसोसिएट है बच्चों, बुद्धिज्म से एसोसिएट है, ठीक है, ये जरूर पता होना चाहिए। उसके अलावा बच्चों अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन, अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो अशोक जो है बच्चों महाजनपद का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप यूं समझ लीजिए कि बच्चों एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप महाजनपद पढ़ रहे हो वो अधूरा रहेगा, ठीक है। फिर बच्चों बात करते हैं अशोक के बाद बच्चों बहुत कुछ चीजें बदली, मगध साम्राज्य खत्म हुआ और कुछ नए साम्राज्य बनने शुरू हो गए। तो नेक्स्ट जो चीज आपको पढ़नी चाहिए वो पढ़नी चाहिए उन साम्राज्यों के बारे में कि कौन कौन सा एम्पायर था, कैसे कैसे वो बना, और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट राजा थे, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आप बात करते हैं अगले कुछ उन एम्पायर्स के बारे में। तो फिर बच्चों जो नेक्स्ट एम्पायर जो बच्चों अशोक के बाद जो साम्राज्य बनने शुरू, किंगडम बनने शुरू हुए, तो उसमें बच्चों सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए उन राजाओं को जिन्होंने डायरेक्टली जो है बच्चों मगध एम्पायर को रिप्लेस किया था। तो उसमें फिर बच्चों हम पढ़ते हैं नेटिव रूलर्स एंड फॉरेन रूलर्स। तो उसमें बच्चों फिर हम पढ़ते हैं नेटिव रूलर और फॉरेन रूलर को। नेटिव मतलब जो यहाँ के लोकल राजा थे, जो अंदर ही से उन्होंने थोड़ा सा एरिया कब्जे में किया और अपना राज्य स्थापित किया। तो इसमें बच्चों हम नाम पढ़ा करते हैं शुंगा लोगों का, इसमें बच्चों हम नाम पढ़ा करते हैं सतवाहन लोगों का। तो शुंगा एम्पायर, सतवाहन एम्पायर, ये बच्चों नेटिव जो हमारे रूलर्स थे उनका उनसे रिलेटेड है, ठीक है। फिर बच्चों बात करते हैं कि फॉरेन रूलर्स में कौन होंगे, क्या फॉरेन से कोई भारत पे आया भी था कब्जा करने। तो याद रखिए बच्चों बहुत से बाहर से लोग आके भारत पे कब्जा करके गए हैं, जिनमें बच्चों सबसे मेन रहे हैं इंडो ग्रीक्स और शकास, इंडो ग्रीक्स और शकास, ठीक है। उसके अलावा बच्चों कुषाण लोग भी भारत में आए थे। तो आपको इनके बारे में भी बच्चों पढ़ना चाहिए कि इनके राजा कौन थे, उनकी कैपिटल क्या थी, क्या कुछ उनका सिस्टम था, ये सब कुछ बच्चों बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों फिर आता है गुप्ता एम्पायर। मतलब अगर आपने बच्चों गुप्ता एम्पायर नहीं पढ़ा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आता है गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में बच्चों आपको क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले कि गुप्ता एम्पायर जो थे उसके किंग्स कौन कौन थे, और
उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यानी उनका जो बच्चों अपना राजकीय सिस्टम था वो किस हिसाब से काम करता था, कितने स्टेट थे, मेन मेन ऑफिशियल मेन मेन जो उनके लोग थे काम करने वाले वो कौन थे, उसके अलावा किस राजा ने बच्चों क्या इंपॉर्टेंट काम किया, ये सारी बेसिक बातें आपको गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़नी चाहिए। देखिए अगर आप गुप्ता एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन और अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ रहे आपकी एंशियंट हिस्ट्री आधी अधूरी रह जाएगी, ठीक है, तो आपको इनको भी पढ़ना चाहिए। फिर बच्चों गुप्ता एम्पायर के बाद नंबर 8 पे बच्चों जो एंशियंट हिस्ट्री में हमें कवर करना चाहिए वो होगा बच्चों हमारा वर्धन एम्पायर। वर्धन एम्पायर एंड ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, उसके बाद बच्चों हमें पढ़ना चाहिए वर्धन एम्पायर। वर्धन एम्पायर में हर्षवर्धन आएगा बच्चों, हर्षवर्धन का आपने नाम सुना होगा, और फिर ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल यानी तीन अलग अलग बड़े बड़े साम्राज्य जगह के लिए, जमीन के लिए, राज के लिए आपस में लड़ेंगे। और इनमें कौन होंगे बच्चों, इसमें पहला नाम तो होगा बच्चों प्रतिहार लोगों का जिनको गुज्जर प्रतिहारा भी बोला गया, फिर होगा बच्चों पाल लोग, पाला लोग, और फिर होंगे बच्चों राष्ट्रकूट। तो इन लोगों के बारे में भी बच्चों आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के ठीक बाद बच्चों फिर हमारी जो है मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब तक जो हम कर रहे थे बच्चों ये सारा बेसिकली जो है वो नॉर्थ या डेक्कन इंडिया से रिलेटेड है, यानी अगर मैं कहूँ कर्नाटक से ऊपर ऊपर वाला ये सारा खेल जो अब तक हमने किया ये उससे रिलेटेड था। अब एक और चीज़ याद रखिए, इसमें बच्चों फॉरेन जो विजिटर्स इंडिया में घूमने आ रहे हैं, फॉरेन ट्रैवलर आ रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिए जो फॉरनर आ रहे हैं बच्चों, फॉरनर ट्रैवलर आ रहे हैं, इनके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कई बार पेपर में आता है कि ह्वेन सांग फाहयान के बारे में, या फिर हर्षवर्धन डायनेस्टी, जब वर्धन डायनेस्टी थी बच्चों उसी टाइम अत सिंह नाम का भी एक आदमी आया था चाइनीज ट्रैवलर, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। तो फॉरन ट्रैवलर्स को भी साथ के साथ आपको पढ़ना किस किस एम्पायर में आते गए। फिर बच्चों बात करते हैं साउथ इंडिया की, और साउथ इंडिया की हम शुरुआत करते हैं बच्चों संगम एज से। साउथ इंडिया का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए वो है बच्चों संगम एज। अब संगम एज क्या है, तो व्हाट इज संगम एज, ये आपको पता होना चाहिए कि संगम आखिर क्या थे। तमिल पोइट्स की बच्चों बैठ के होती थी, काउंसिल होती थी, उसको संगम बोला गया। और संगम एज में बच्चों कौन कौन से एम्पायर थे, और संगम एज से जुड़ी हुई किताबें बच्चों, इनसे जुड़ी हुई किताबें कि किस किस ने लिखी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताब है, और एम्पायर कौन कौन से थे बच्चों उस टाइम। तो आपको पता होगा संगम एज के टाइम बच्चों तीन बड़े एम्पायर होते थे। पहले एम्पायर थे बच्चों चेरिया, पंड्या और चोला। तो चोला, चेरा और पंड्या, ये तीन एम्पायर होते थे बच्चों संगम एज के टाइम। संगम एज 400-500-600 साल तक रही, उसके बाद बच्चों चेरा, पांड्या और चोला को रिप्लेस कर दिया कुछ दूसरी डायनेस्टीज ने, तो उनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो अदर डायनेस्टीज लाइक, एक डायनेस्टी है बच्चों वकाटक डायनेस्टी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बच्चों चालुक्य के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चालुक्य के लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बच्चों पल्लव डायनेस्टी आएगी, पल्लव एम्पायर आएगा, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एक बच्चों एम्पायर आएगा ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा एम्पायर उड़ीसा मिलेगा, इसके बारे में आपको, ये बच्चों उड़ीसा वाला, लेकिन चालुक्य के पल्लव, और बच्चों फिर आएंगे चोला। ये जो चोला है बच्चों इनका दोबारा रीबर्थ होगा इस एम्पायर का, एक बहुत बड़ा एम्पायर बनेगा जिसको बोला जाता है इंपीरियल चोला एम्पायर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करने चाहिए, और इस टॉपिक में अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई है बच्चों तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर आया है तो उसका पता होना चाहिए। किसी ने बच्चों कोई यूनिवर्सिटी बनाई है,
जैसे आपने नाम सुना हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी का, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत से बेसिक पॉइंट हैं, बहुत से बेसिक टॉपिक हैं, इनको डीप में पढ़ने की जरूरत है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और इनको बेसिक बेसिक सा ऊपर ऊपर से पढ़ने की जरूरत है अगर आप एसएससी या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। याद रखिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम बात करेंगे जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री है उससे हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।